बुलबुलिया को पुलिस पकड़ के ले गई। सर यहाँ पर है ड्रग्स। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इन लोगों को। रंजू मिश्रा तो अभी तक समझ भी नहीं पाई होगी कि उसकी जिंदगी में ये बवंडर आया कहाँ से अचानक। माँ इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ इन्हें ऐसे क्यों लाए? हमने इन्हें ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। माँ बेटी दोनों थाने में, शर्म आनी चाहिए दोनों को। लगता है पूरा का पूरा परिवार क्रिमिनल्स है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप बिना सोचे समझे कुछ भी कहे जा रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा हमारे परिवार के खिलाफ साफ साजिश की जा रही है और हम अच्छी तरह से जानते हैं ये साजिश किसने की है। ललिता मिश्रा ने। ए लड़की मुंह बंद रख। हर क्रिमिनल खुद को सही और दूसरे को गलत बताता है, लेकिन कौन सही है कौन गलत इसका फैसला कोर्ट करेगी। तभी से बात कीजिए। अभी हम अपने वकील को फोन लगाते हैं। बुलबुल और रंजू दोनों की जमानत हो जाएगी। कर लीजिए कोशिश। कोशिश करना आपका हक है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। ड्रग डील के केस में जमानत मिलना नामुमकिन है। शक्ल देखकर तुम्हें लगता है कि ड्रग डीलर है? अरे सारी जिंदगी अपने दम पर सलाई सेंटर चलाकर बच्चों को पाला है और आज आप इन्हें ड्रग डीलर कह रहे हैं? हम सबूत पर चलते हैं। और रंगे हाथों पकड़ी गई हैं और किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता है कि वो शरीफ है शातिर। बेवकूफ नहीं है हम, सब समझ रहे हैं हम किसके इशारे पे हो रहा है सब। कहीं मॉम पर डाउट तो नहीं हो गया डैड को? आवाज नीचे करके बात कीजिए। आप एक इज्जतदार व्यक्ति हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, वो भी थाने के अंदर। आपको ये भी पता होगा कि पुलिस के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं आपके ऊपर केस भी कर सकता हूँ। वैसे भी हमारे लॉकअप में बहुत जगह है, पूरा परिवार आ जाएगा। धमकी दे रहे हो तुम हमें? क्या समझते हो जाएंगे हम? अरे नहीं जाएंगे। चाचा जी प्लीज 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 आप शांत हो जाइए। अभी यहाँ ऐसे बात करना सही नहीं है। विशेष ठीक कह रहा है, या कुछ भी बोलना सही नहीं। भैया जी हम अभी वकील साहब से बात करते हैं। हवलदार रंजू मिश्रा को अंदर बंद करो। चलिए ना माँ, हमें पता है ये सब कुछ ललिता मिश्रा का किया धरा है। शालू जी क्या हुआ? विशेष जी बुलबुल छूट गई ना, बोलिए ना क्या हुआ? मिल गई उसको बेल? शालू जी पुलिस ने रंजू काकी को भी अरेस्ट कर लिया है। हमको नहीं पता, पुलिस का ये कहना है कि सिलाई सेंटर की आड़ में वो ड्रग्स का रैकेट चला रही थी। ऐसे निखौटा लगाए घूमते हैं लोग, हम तो सपने में भी नहीं सोचे थे कि रंजू बहन जी ऐसा काम करेगी। अरे बोलती तो ऐसे है जैसे कि मंदिर में प्रवचन हो रहा हो और दुनिया से छुप कर ऐसा करना। माँ छी 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 छी, हम तो पहले ही सोचे थे कि जरूर कोई बात है,
नहीं तो सिलाई मशीन घुमा के कोई ऐसे इतना अच्छा से चार चार बेटी को कैसे पाल लेगा। बस कीजिए माँ जी। हम चुप है इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी माँ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलती जाएंगे। जानते हैं हमारी माँ ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत करके हम सबको पाल पोस के बड़ा किया है। उनके हाथ पैर में छाले पड़ते थे ना, देखे हैं हमने, फिर भी वो रुकी नहीं है। हमारी नस नस में उनकी मेहनत का पसीना खून बन के दौड़ता है। और उनके बारे में ना एक भी शब्द नहीं सुन पाएंगे हम। और अगर आपने और कुछ कहा तो हम भूल जाएंगे कि आप विशेष जी की माँ हैं। देखो तो जरा, है मुंह इतना सा और जुबान गज भर लंबी। एक बात अच्छा से जान लो कि हमको ऊंचा आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी माँ जी, आपको जो कुछ कहना है ना आप मुझे कहिए। आपको जितनी खरी पोटी सुनानी आप मुझे सुनाइए ना, लेकिन हमारी माँ के बारे में नहीं, उनके बारे में हम रत्ती भर भी नहीं सुन पाएंगे माँ जी। क्योंकि हम जानते हैं हमारी माँ कौन है और उन्होंने क्या किया है और वो क्या कर रही है, हम जानते हैं। देख लो कैसे कैंची की तरह जुबान चल रहा है। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये अपना माँ के बारे में एक को शब्द नहीं सुन सकती। और तुमको तो बड़ा गर्व हो रहा होगा ना अपने माँ को बेइज्जती करा के। माँ, शालू जी ने आपकी बेइज्जती नहीं की, बल्कि आपने उनकी माँ की बेइज्जती की है। और वैसे भी ये वक्त ना अपने रिश्तेदारों के साथ खड़ा होने का है, ना कि उनके खिलाफ। और फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है इस बहस में शामिल होने का। शालू जी, हमको पुलिस स्टेशन चलना होगा अभी, चलिए। किसी और पर का उंगली उठाए जब हमारा बेटा ही नाक कटवाने पर तुला है। पर अचानक से रंजू जी की जिंदगी में जो तूफान आया है, कहीं उसके पीछे ललिता जी का तो कोई नया जाल नहीं है? कॉल करके पूछ लिया जाए का? नहीं नहीं, आज तो सामने से ही बधाई देंगे। गरीबनाथ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। दादी, लकी तुम हो सके तो अपने इस पोते को माफ कर दीजिए। शायद मेरा यह आना जाना मॉम को नहीं पसंद है, इसलिए शायद उन्होंने ये सब कुछ किया होगा। मुझे अब इस घर में नहीं आना चाहिए दादी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे पगले, तू काहे माफी मांग रहा है? तू अपने आप को काहे दोषी मान रहा है? तुम तो इन सब से मिलजुल के प्रेम से रहते हो। पता नहीं तुम्हारी माँ के दिमाग में का का चलता रहता है। दादी आप यूं हिम्मत मत हारिए, मैं तो इस घर में नया हूं, लेकिन आप तो इस घर में सबसे बड़ी है और मजबूत भी। देखना सब ठीक हो जाएगा। अब सब तो बाबा गरीबनाथ के हाथ में, वही ठीक करे तो ठीक हो। अच्छा दादी, अगर सच में मॉम ने ये सब कुछ किया है तो आप उनकी वजह से मुझसे नफरत तो नहीं करने लगेगी? मैं तो सिर्फ अगर ये बात सच निकली ना तो ललिता सोच भी नहीं सकती कि इसका अंजाम कितना बुरा होगा।
लाला जी आप? अरे ऐसे अचानक आके आपने तो हमें चौंका ही दिया। ललिता जी अब सब बात फोन पे तो नहीं हो सकता है ना, इसलिए हम खुद ही चले आए। और देखिए मिठाई का डब्बा भी लाए हैं आपके लिए, मुंह मीठा करने के लिए। बाकी ये बताइए कि पलक झपकते ही इतना बड़ा भूकंप कैसे आ गया? कैसी बातें कर रही हैं आप, कहाँ आया भूकंप? हमें तो सब कुछ वैसे का वैसे ही लग रहा है। ललिता जी आप जितना बुड़बक हमको समझते हैं ना, हम उतने बुड़बक नहीं है। हाँ हम उड़ती चिड़िया का पर गिन लेते हैं और देख के बता देते हैं कि कितना खाई है और कितना दूर तक उड़ेगी। सही कह रही हैं आप निर्मला जी, जितना बेवकूफ हम आपको समझते हैं ना, आप उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ है, वरना इस तरह हमारे घर में दौड़ी नहीं चली आती। आप जानते हैं ना मिश्रा जी आजकल यहीं रहते हैं, कहीं भी अचानक से उठ के यहाँ आ गए और आपको यहाँ देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। आप पहले मिठाई खाए। माँ ललिता जी हम जानते हैं कि आप कच्ची खिलाड़ी नहीं हैं, आपको सब पता है कि अभी मिश्रा जी कहाँ है और क्या कर रहे हैं। आप तो हमको बस इतना बता दीजिए कि आपके इस खेल में हमारा बेटा विशेष को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ना। निर्मला जी आप हमारी दोस्त हैं और हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, वादा कर चुके हैं कि कुछ भी हो जाए आपके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जहां तक सवाल है भूकंप का, अभी तो सिर्फ धरती कांपना शुरू हुई है, भूकंप आना अभी बाकी है। शालू जी शालू जी वो देखिए, विक्की शालू जी, विक्की के यहाँ होने में हमें किसी साजिश की बू आ रही। साजिश? शीशी फिर तो हमें कुछ करना चाहिए। शालू जी आप प्लीज यहीं वेट कीजिएगा। अब विशेष जी शायद आप गलती से मुझे फोन करने लगे। आप अपना फोन पिक कीजिए। शालू जी हमारा फोन ऐसे ही ऑन रहेगा, आप प्लीज सब कुछ रिकॉर्ड कर दीजिएगा। हम विक्की के पीछे जा रहे हैं और हाँ अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिए। संभाल के जाइए। आइए विक्की जी, आप ही का वेट कर रहा था, लाइए बैग दीजिए। आप भी ना विक्की जी, पुलिस स्टेशन के सामने बुलाने का क्या मतलब है? रिस्क हो सकता है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना ही होगा ना, और वैसे भी यह जगह सेफ है, वो कहते हैं ना
दिया तले अंधेरा, आप बेफिक्र रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल ये पैसे रखिए, अभी इतने ही अरेंज हो पाए हैं। कोई बात नहीं, फिलहाल हम इससे काम चला लेंगे। विक्की के साथ यहाँ पर ना जी भी है शालू जी। चलते हैं। बहुत नाच नचा लिया तुमने, अब तुम्हारा खेल खत्म। अकेले क्या कर रही है? चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो और सरेंडर कर दो वर्मा, वरना वरना क्या, मुझसे चालाकी नहीं समझे? वर्मा तुम यहां से बाहर नहीं निकल सकते, हम तुम्हें किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। तुम मुझे रोक नहीं सकते, हट जाओ मेरे रास्ते से। विशेष तुम बात को ज्यादा ही बढ़ा रहे हो, तुम चुप रहो। खोपड़ी खोल दूंगा तुम्हारी। ओए, खोपड़ी खोलने से भी हिचकिचाऊंगा नहीं मैं। शालू तुम अकेले, विशेष कहाँ है? मिश्रा जी वो विशेष ही उस गोडाउन के अंदर गए हैं और वर्मा भी अंदर है। विशेष मुझे जाने दे वरना। वर्मा, वर्मा तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो, जानते भी हो मैं कौन हूं? चुप, मुझे जाने दो नहीं तो मैं इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। हम जानते हैं तुम इसे मरते हुए देखना नहीं चाहोगे। वर्मा तुम गोली नहीं चला सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं, चलो हिलना मत। हाँ हाँ ठीक है। विशेष वर्मा, तो सुनो,
वर्मा ये तूने क्या कर दिया? विशेष जी, विशेष जी, क्या हुआ आपको? विशेष जी उठिए। विशेष को गोली लगी है। अगर शालू ने मुझे यहाँ देख लिया तो इस केस में मैं भी फंस सकता हूँ। फिलहाल छिपे रहने में ही फायदा है। शालू, ए हिलो मत। विशेष, विशेष जी उठिए, क्या हुआ? लकी, ये तो वही वर्मा था ना जो। डैड उसे जाने दीजिए, या विशेष को देखिए, उसको गोली लगी है। विशेष जी, विशेष जी, देखिए हम आपके पास है, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम। प्लीज अपनी आंखें खुली रखिए, प्लीज। विकी यहाँ क्यों छिपा है? कुछ नहीं हुआ तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। डैड, हाँ डैड, हमें विशेष को है ना हॉस्पिटल जल्दी ले जाना होगा। मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। ठीक है विशेष। आंखें खोलो विशेष। विशेष जी, जिंदगी में आई है, उसका जिंदगी नरक बन गया है। सालू, विशेष, कैसे हो गया? मिश्रा जी को इन सबको बचाने के लिए हमारे सामने सरेंडर करना ही होगा। इन सब की सलामती की भीख मांगनी होगी, तभी जश्न होगा। काई घड़ियाली आंसू बहा रही हो, ये सब तुम्हारे कारण ही तो हो रहा है। जब से अपना बेटा का जिंदगी में आई है, उसका जिंदगी नरक बन गया है। सालू, विशेष, कैसे हो गया? मिश्रा जी को इन सबको बचाने के लिए हमारे सामने सरेंडर करना ही होगा। इन सब की सलामती की भीख मांगनी होगी, तभी जश्न होगा।